हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज के वीडियो में मैं कोई चैप्टर्स नहीं समझाने वाला, लेकिन मैं क्लास 8 के टॉप 10 चैप्टर्स के बारे में बताना चाहता हूँ, जो कि मैं सभी को रिकमेंड करूँगा कि आप वो ज़रूर पढ़ें, चाहे आप 7th क्लास से 8th क्लास में जाने वाले हो या छोटे भी बच्चे हो। तो अपने पेरेंट्स और गार्जियन को ज़रूर बोले समझाने, या आप यूट्यूब में इस चैप्टर्स के बारे में देख सकते हो। आप चाहे बड़े या बूढ़े हों, या अगर आप दूसरे कंट्री से बिलोंग करते हो, मैं फिर भी आपको रिकमेंड करूँगा ये चैप्टर्स आप ज़रूर पढ़ें। तो आज मैं क्लास 8 NCERT के टॉप 10 चैप्टर्स हर सब्जेक्ट में स्टोरी वाइज, मतलब जिसमें स्टोरीज है, टॉप 10 स्टोरीज, उसके बारे में मैं आपको बताऊँ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैं इसमें साइंस, SST, सिविक्स, ज्योग्राफी वगैरह या ग्रामर्स वगैरह ये सब इंक्लूड नहीं करूँगा, क्योंकि ये सब इंफॉर्मेटिव चैप्टर्स होते हैं। हाँ, हिस्ट्री इंक्लूड करूँगा, क्योंकि इसमें एक स्टोरी वाइज स्टोरी लाइन आपको दिखाया जाता है। इसीलिए आइए देखते हैं नंबर 10 की तरफ। नंबर 10, मैकेवेटी द मिस्ट्री कैट। आई नो कि चाहे कोई भी एज ग्रुप हो, सभी को कविताएँ, पोइट्री अच्छी लगती है, लेकिन फिर भी एक लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल है जिन्हें पोएम्स वगैरह उतनी अच्छी नहीं लगती। उनमें से मैं भी एक हूँ खैर, पर ये कविता थोड़ी अलग है। इस कविता में एक ऐसे थीफ के बारे में बताया गया है जिसके पास एक सुपर पावर है। ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, लेकिन इस स्टोरी में यहाँ पे एक बिल्ली के रूप में दिखाया गया है। मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप ये चैप्टर ज़रूर पढ़ें, ये पोएम ज़रूर पढ़ें, क्योंकि इसमें इसका मेन कैरेक्टर एक डिटेक्टिव से कम नहीं है, एक सुपर हीरो से कम नहीं है। ये एक सुपर विलेन है, ये एक एंटी हीरो। आपको इनके कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ कुछ बैटमैन या जोकर की तरह लगेंगे जब आप ये पढ़ेंगे, तो इसलिए मैंने इसे 10th पोजीशन पर रखा है। नंबर 9, पहेलिका फ्रॉम संस्कृत। जी हाँ, फ्रॉम संस्कृत। मैंने इसे नंबर 9 में इसलिए रखा है क्योंकि जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे, आप यूट्यूब के थ्रू भी पढ़ सकते हैं, या फिर अगर आपको संस्कृत आती है तो और अच्छी बात। आप इसमें देखिए कि इसमें इन पहेली बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने लायक पहेलियाँ हैं, प्लस इसके आंसर्स खोजना इतना आसान नहीं है। वैसे तो इसके आंसर्स बुक में दिए हुए होते हैं, लेकिन अगर आप बिना उसके मदद किए अगर आप इसको खोजने की कोशिश करेंगे तो आपको इतनी आसानी से नहीं मिलने वाला। और जब आप आंसर देखने जाएंगे तो आप दंग ही रह जाएंगे, क्योंकि इसमें आंसर्स ऐसे ऐसे जगह छुपाए गए हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए ये इतनी इंटरेस्टिंग है कि आप इसे ज़रूर पढ़ें। नंबर 8, द ओपन विंडो फ्रॉम इंग्लिश सप्लीमेंट्री। ये एक बड़ी ही मिस्टीरियस कहानी है, या एक कॉमेडी कहानी है, या एक प्रैंक की तरह। इस कहानी को अलग अलग नज़रिए से पढ़ा जाता है, इसमें डिफरेंट कंक्लूजन्स हो सकते हैं। ये कहानी रहस्यों से भरी हुई है। इसमें ऐसा होता क्या है कि एक आदमी होता है जिसको एक बीमारी होती है, और उस बीमारी के इलाज के लिए वो रूरल एरिया यानी गांव वाले इलाके में जाता है, और वहाँ के साथ ऐसा होता है जो मैं आपको नहीं बताऊँगा, वो आपको स्टोरी पढ़ के ही समझ में आएगा। और ये इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस है जिसकी वजह से मैंने इसे नंबर 8 पे रखा है। नंबर 7, रूलिंग द कंट्री साइड फ्रॉम हिस्ट्री। जी हाँ, कभी आपने सोचा है कि ब्रिटिश लोग इंडिया में आए थे, ये तो सभी को पता है, लेकिन क्यों आए थे क्या ये पता है? हम हमेशा से बचपन से सुनते आ रहे हैं कि ब्रिटिश लोग व्यापारी के रूप में आए थे, 200 साल से हम पे राज करते आ रहे थे, लेकिन वो लोग आए ही क्यों थे, ये इस चैप्टर में आप जानेंगे बहुत डिटेल से। ये कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसमें आपको एक्शन भी दिखेगा, मजाक कर रहा हूँ, लेकिन कई रिवॉल्व सीन हैं, कई मेजर डिटेल्स है, कई इमोशंस है जिसमें, जो कि आपको बहुत बड़ी आसानी से ही समझ में आ जाएगी। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में दिया गया है, थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन ये एक कहानी की तरह आप ले तो ये बिल्कुल बोरिंग नहीं है। नंबर 6, वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म। सिर्फ ब्रिटिश लोग ही नहीं थे जो कि इंडिया को सुधारना चाहते थे, इंडियन में भी कई ऐसे रिफॉर्मर्स थे
कई ऐसे महान लोग थे जैसे ईश्वर चंद्र, विद्यासागर, अंबेडकर, राजा राम मोहन रॉय जैसे महान हस्तियों ने भी कई काम किए हैं इस पिछड़ते भारत को सुधारने में। इनमें बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं इस चैप्टर में, बहुत सारे ऐसे डायलॉग दिए गए हैं जो कि आपको सच में खुश कर देंगे, सच में इंस्पायर करेंगे, और इन लोगों के बारे में जान के आपको बहुत ज़्यादा प्राउड फील होगा, इसलिए मैंने इसे इस पोजिशन पर रखा है। टॉप 5 में है सिविलाइजिंग द नेटिव, एजुकेटिंग द नेशन फ्रॉम हिस्ट्री। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि ब्रिटिश लोग शुरू से ही बहुत ज़्यादा बुरे नहीं थे, उन्हें भी इंडियंस की चिंता थी। इसमें हम जानेंगे कि उस समय पास्ट में बच्चों को कैसे एडुकेट किया जाता था, और उस समय के बच्चों में महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर की कितने बड़ी भूमिका थी। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है दोस्तों, इसमें कई सारे डायलॉग्स हैं, कई सारी इमोशंस हैं जिसे आप पढ़ के बहुत खुश हो जाएंगे, बहुत ही इंस्पायर हो जाएंगे। गुरुकुल का तो नाम आपने सुना ही होगा, गुरुकुल के बारे में इस चैप्टर में आप डिटेल में जानेंगे, और ये भी जानेंगे कि कैसे पुराने ज़माने के स्कूल्स आज के स्कूल से अलग थे। नंबर 4 पे है अकबरी लोटा फ्रॉम हिंदी। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है दोस्तों, चाहे आप किसी भी एज ग्रुप के हों, ये चैप्टर को आप ज़रूर से ज़रूर पढ़ना कि कैसे इसमें एक विदेशी, एक अंग्रेज़ को बेवकूफ़ बनाया गया है, और कैसे इस कहानी के मेन कैरेक्टर लाला जवाहरलाल को, लाला जवाहरलाल की ज़िंदगी और उसको कैसे मदद मिली है, इसके बारे में जानेंगे। मैं आपको ज़्यादा स्पॉइलर नहीं दूंगा, बस यही कहूँगा कि आप इस चैप्टर को ज़रूर से ज़रूर पढ़ें यार। मतलब क्या लिखा है इस कहानी के राइटर ने, कमाल की कहानी है। वैसे मैं शॉर्ट में बता दूँ कि इस कहानी में लाला जवाहरलाल की पत्नी उसे उसे पैसे की डिमांड करती है, 250 रुपये, और लाला जवाहरलाल उसे 7 दिन का वक्त देते हैं, और उस 7 दिन पैसे का इंतज़ाम कैसे होता है वही आप इस चैप्टर में जानेंगे। नंबर 3 पे है विपिन चौधरी द लैप्स ऑफ मेमोरी। ये कहानी भी अकबरी लोटा की तरफ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इस कहानी में दरअसल होता क्या है कि विपिन बाबू नाम का एक आदमी होता है जो कि रांची घूमने गया था, पर वो रांची घूमने के ट्रिप को याद ही नहीं रहता उसे दिमाग में। वो कई लोग से मिलता है और कई लोग बोलते हैं कि वो रांची घूमने गया था उस समय, लेकिन उसके दिमाग में वो बात रहती ही नहीं। ये एक मिस्टीरियस कहानी है, यानी कि क्या विपिन बाबू सच में रांची की ट्रिप के बारे में भूल गया था, क्या उसके दिमाग में केमिकल लोचा हुआ था मुन्ना भाई की तरह, या फिर वजह कुछ और है, ये बात आप उस कहानी में ही पढ़ेंगे, मैं तो नहीं बताऊंगा। नंबर 2 पे है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। ये कहानी वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम का है, और ये कहानी है दोस्ती की, प्यार की, जंग की और एक क्रिसमस पार्टी की। दो देश जो कि अपने देश की रक्षा के लिए बॉर्डर पे तैनात रहते हैं, वो भी आम लोगों की तरह जंग नहीं चाहते हैं, और इस कहानी में हम ब्रिटिश और जर्मनी दो सेनानियों के बीच की बातचीत एक क्रिसमस पार्टी के द्वारा होती है, और हम ये जानते हैं कि सैनिकों के अपने क्या विचार हैं जंग के मामले में। ये बहुत अच्छी, दिल खुश कर जाने वाली कहानी है, और इसमें जिम मैकफर्सन और कॉनी मैकफर्सन की कहानी भी है, जहाँ जिम मैकफर्सन अपने देश की रक्षा के लिए आर्मी ज्वाइन करता है। ये कहानी सच में बहुत मज़ेदार और इंटरेस्टिंग है, और ये आपका दिल जरूर खुश करने में सक्षम है। नंबर 1 पे जाने से पहले मैं ऑनरेबल मेंशंस करना चाहूँगा, यदि आपको टाइम मिले तो ये चैप्टर्स भी ज़रूर पढ़ लेना। चिल्ड्रन एट वर्क फ्रॉम इंग्लिश, काम चोर फ्रॉम हिंदी, टोपी फ्रॉम हिंदी, द कॉमेट सीरीज़ फ्रॉम इंग्लिश सप्लीमेंट्री, द ग्रेट स्टोन फेस सीरीज़ फ्रॉम इंग्लिश, व्हेन पीपल रिबेल फ्रॉम हिस्ट्री, चेंजिंग द वर्ल्ड ऑफ विजुअल आर्ट्स फ्रॉम हिस्ट्री, द मेकिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट फ्रॉम हिस्ट्री, फ्रॉम ट्रेड टू टेरेटरी इन हिस्ट्री, एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट ट्राइबल डिकोज एंड विजन फ्रॉम हिस्ट्री। ये सारे चैप्टर्स में से आपको जो इंटरेस्टिंग लगे वो भी आप ज़रूर पढ़ना, ये सारे चैप्टर्स भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हैं, पर इस लिस्ट में अपनी जगह नहीं बना पाए, तो आइए नंबर 1 पे चलते हैं। तो नंबर 1 पे है भाई साहब बस की यात्रा फ्रॉम हिंदी। मतलब क्या लिखा है हरिशंकर पायसाई जी ने, हैट्स ऑफ टू हिम, दाद देनी पड़ेगी इन्हें। मैं आपको 100 नहीं बल्कि 200% ये रिकमेंड करूँगा कि आप ये चैप्टर ज़रूर पढ़ें,
ये एक कॉमेडी स्टोरी है जिसमें होता ये है कि कुछ दोस्त होते हैं जिन्हें अपने घर अर्जेंटली जाना होता है और उन्हें आज रात तक ही घर पहुंचना पड़ता है क्योंकि उन्हें अगले दिन अपने काम पे जाना होता है। वो लोग एक बस स्टैंड पे जाते हैं जो कि एक ही बस जिसमें एक ही बस थी और वही बस इस कहानी का मेन कैरेक्टर है। और उसके बाद उन लोगों के साथ क्या होता है वो आप चैप्टर पढ़ के ही जान पाएंगे। इस कहानी को इस तरह लिखा गया है कि आप इसे हंसते रोक नहीं पाएंगे। मेरे खुद की क्लास में भी जब ये चैप्टर पढ़ाया जा रहा था तो हम सभी बच्चे इंक्लूडिंग टीचर्स हंसते हंसते लोटपोट हो गए थे। सभी स्टूडेंट्स चाहे बदमाश हो या अच्छे सबकी ध्यान उस चैप्टर पे ही थी। बहुत मज़ा आ रहा था। सो डैट इज़ इट फॉर टुडे गाइज। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आई होप कि ये चैप्टर्स आप ज़रूर पढ़ेंगे। और हाँ, एक और बात मैं आपको बता देना चाहूँगा कि इन चैप्टर्स जिनका इनका मैंने नाम लिया है, फ्यूचर में मैं इन चैप्टर्स की भी वीडियो बनाऊँगा, तो आप है तो मेरे वीडियोज़ दे सकते हैं, या फिर मैं आपको बता दूँ कि आप ये चैप्टर्स कैसे पढ़ सकते हैं। तो आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं NCERT और इस चैप्टर का नाम क्लास 8 का। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बस की यात्रा पढ़ना है तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हो बस की यात्रा क्लास 8, तो आपको इसका PDF फाइल मिल जाएगा। या फिर आप यूट्यूब में भी कई सारे यूट्यूबर्स इस चैप्टर को एक्सप्लेन करते हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। या नहीं तो आप मेरे अगले वीडियोस का इंतज़ार करें। थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। तब तक के लिए स्टे सेफ एट होम। वेल, जब मैंने ये वीडियो अपलोड किया है उस टाइम तो क्वारंटाइन चल रहा है कोरोना वायरस का, लेकिन शायद जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। खैर, ये थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू, गुड नाइट।